अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम मंतर और आप देख रहे हैं नुमान टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, यार एक तरफ है मेरे पास आईफोन 11 प्रो 64 GB में है और राइट साइड पे मेरे पास है यार आईफोन 11। तो आज की वीडियो में हम करेंगे यार इसका स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, देखेंगे कि यार 2024 के अंदर हालांकि 4 साल हो चुके दोनों मोबाइल फोन्स को लॉन्च हुए हुए, और मज़े की बात यह है कि ये दोनों मोबाइल फोन जो है ना वो एक ही साल में लॉन्च हुए हैं, यानी कि एक ही साल से मुराद ये है, यानी कि एक होता है ना 2020 में लॉन्च हुआ था, 2021 में जाके आपने परचेज किया, तो ये दोनों ही मॉडल जो है उनकी परचेज जो है वो 2020 ही की है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इसका स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, देखेंगे कि यार कौन सा मोबाइल जो है वो ज़्यादा फिट हमें जो है वो स्पीड जो है वो प्रोवाइड कर देता है। वैसे तो इसके अंदर अगर इंटरनल से लेकर बात करूँ तो दोनों ही मोबाइल्स के अंदर हमें एप्पल की A13 बायोनिक चिप हमें देखने को मिल जाती है, जो कि 7 नैनोमीटर प्लस एक हेक्साकोर चिपसेट है और एप्पल का 4 कोर ग्राफिक का जो है वो GPU निकल कर आता है। तो लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम यार चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी दबा दिया करो ताकि इस तरह की मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करे। तो सबसे पहले हम यहाँ से दोनों फोन को कर लेते हैं अनलॉक, और ब्राइटनेस जो है वो मैंने दोनों फोन की तकरीबन सेम रख दी है, दोनों फोन जो है वो हमारे सेम ही वाईफाई के ऊपर जो है वो कनेक्टेड है। मैं आपको दिखाता चलूँ जरा, ये आप देख सकते हैं दोनों फोन हमारे सेम वाईफाई के ऊपर जो है वो कनेक्टेड है। अब हम करते हैं सबसे पहले दोनों फोन को यहाँ से पावर ऑफ, ठीक है, रिबूट करके देखते हैं ना दोनों फोन्स के अंदर के यार दोनों फोन्स का जो है वो क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो दोनों फोन्स को जो वो मैंने यहाँ से कर लिया है, दोनों को यहाँ पे लिठा देते हैं हम। अच्छा जी, अब हम यहाँ से दोनों फोन्स को जो है ना वो कर लेते हैं हम पावर ऑफ। ये हमारे दोनों फोन जो है वो हो गए हैं पावर ऑफ, और अब हम इनको जो है वो कैमरे के एडजस्टमेंट कर लेते हैं, दोनों फोन्स को बिल्कुल सेंटर में रख लेते हैं। हमारे दोनों फोन जो है वो पावर ऑफ हो चुके हैं और अब हम जो है वो इनको करते हैं पावर ऑन, 3 2 1 ऑन। अब हमारे दोनों फोन जो है वो ऑन हो रहे हैं, देखते हैं कि हमारा पहले जो है वो कौन सा फोन जो है वो ऑन होता है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 11 प्रो है, राइट साइड पे हमारे पास आईफोन 11 है, देखते हैं कि दोनों की जो है वो कैसी जो है वो परफॉर्मेंस निकल कर आती है दोनों ही मॉडल्स की। दोनों मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारे ओपन हो रहे हैं, ऑन हो रहे, ओपन कह रही है यानी ऑन हो रहे। लो जी आईफोन 11 जो है वो जीत गया और आईफोन 11 प्रो जो है वो हमारा थोड़ा सा पीछे रहा, हालांकि मेरे जिन में था कि शायद आईफोन 11 जो है वो पीछे रहेगा और आईफोन 11 प्रो जो है वो जीत जाएगा। ठीक है जी, अब हम दोनों फोन को यहाँ से कर लेते हैं अनलॉक। अनलॉक करके दोनों को मैंने यहाँ पर अनलॉक कर दिया। अब दोनों फोन्स का जो है वो हम लोग यहाँ से रीसेंट एप्लीकेशन को देख लेते हैं, दोनों की रीसेंट एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है। अब वन बाय वन करके हम सारे एप्लीकेशन को जो है वो टेस्ट आउट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं जी यहाँ पे हमारा फ़ोन डायलर एप्लीकेशन। फ़ोन डायलर एप्लीकेशन दोनों फोन्स के अंदर बिल्कुल सेम स्पीड रही। उसके बाद हम ऑन कर लेते हैं यहाँ से जी हमारा सफारी ब्राउज़र। तो सफारी ब्राउज़र ओपन किया, सफारी ब्राउज़र मेरे ख्याल से आईफोन 11 जो है वो थोड़ा सा आगे रहा, आईफोन 11 प्रो थोड़ा सा जो है ना वो लोड लिया है। मैसेजिंग को ओपन करके देख लेते हैं, तो मैसेजिंग भी जो है वो हमारी तकरीबन सेम ही रही है। उसके बाद हम म्यूज़िक को बंद करते हैं, जैसे म्यूज़िक ओपन करके देख लेते हैं दोनों फ़ोन्स के अंदर। ये मैंने म्यूज़िक ओपन किया तो म्यूज़िक भी हमारा जो है वो बिल्कुल सेम ही रहा। उसके बाद हम ऊपर के ऐप्स के ऊपर आ जाते हैं, थोड़े से जो हमारे फ्रंट साइड पर जो है वो ऊपर वाले ऐप्स आ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ से वेदर एप्लीकेशन को ओपन करके देख लेते हैं, दोनों का जो है वो वेदर सेम ही है। तो दोनों का जो है वो ओपनिंग स्पीड जो है वो यार वो बिल्कुल ही सेम रही है। उसके बाद हम आ जाते हैं कैलेंडर के ऊपर अपने, कैलेंडर भी हमारे दोनों फोन्स के अंदर जो है वो बिल्कुल ही सेम रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी गैलरी के अंदर, यहाँ से गैलरी को ओपन करके देख लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर, गैलरी भी यार बिल्कुल सेम स्पीड रही है। उसके बाद हम कैमरा ओपन करके देख लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर, कैमरा भी हमारे दोनों फोन्स के अंदर जो है वो बिल्कुल सेम ही ओपन हुए। और उसके बाद हम यहाँ से नोट्स को ओपन करके देख लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर, नोट्स में जो है वो आईफोन 11 प्रो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा आगे रहा है, जबकि 11 हमारा जो है वो थोड़ा सा जो हमें पीछे देखने को मिला। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ से जी नेक्स्ट हम क्लॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, क्लॉक भी जो है वो बिल्कुल सेम टाइम पे ही ओपन हुई है दोनों फोन्स के अंदर। उसके बाद हम यहाँ से ऐप्स जो हमारा ऐप स्टोर है उसको ओपन करके देख लेते हैं, ऐप स्टोर के अंदर हमारा 11 आगे रहा है लेकिन बस उसने एक परमिशन पूछी थी, बाकी दोनों ही जो है वो बराबर का ही जो है वो दोनों का ही मुकाबला रहा तकरीबन। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ से सेटिंग्स को ओपन करके देख लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर, यहाँ से मैंने ये सेटिंग्स को ओपन किया, सेटिंग भी आप देख सकते हैं हमारे दोनों फोन्स के अंदर जो है वो बिल्कुल सेम टाइम पे ही ओपन हुई है, बिल्कुल भी जो है वो हमें फ़र्क देखने को नहीं मिला दोनों ही फोन्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ से और इधर से हम फाइल्स को ओपन करके देख लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर, फाइल भी आप देख सकते हैं कि हमारी जो है वो बिल्कुल सेम हमारा जो है वो मुकाबला रहा।
उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ से फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करके देख लेते हैं। तो फेसबुक जो है वो हमारा 11 प्रो हमारा फास्ट रहा, 11 ने थोड़ा सा जो वो लोड लिया। उसके बाद हम यहाँ से इंस्टाग्राम को ओपन करके देख लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर। इंस्टाग्राम में भी हमारा 11 प्रो जो है वो आगे रहा, 11 थोड़ा सा हमें पीछे देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ से टिकटॉक को ओपन करके देख लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर। टिकटॉक दोनों फोन्स के अंदर जो है वो सेम टाइम पे ही ओपन हुई। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ से यूट्यूब को ओपन करके देख लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर। तो यूट्यूब भी हमारी ऑन हो रही है और देखते हैं कि यूट्यूब हमारी किसके अंदर पहले ऑन होती है। तो मेरा ख्याल से शायद 11 प्रो जो है वो जीत जाएगा बाजी। नहीं, बराबर का मुकाबला रहा दोनों फोन्स के अंदर, सेम ही टाइम रहा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ से गूगल क्रोम या जीमेल को ओपन करके देख लेते हैं। चलें जीमेल को देखते हैं। जीमेल भी हमारी जो है वो जी सेम ही रही, नहीं बल्कि हमारा 11 जो है वो बल्कि सेम ही रही। इसके अंदर आईडी लॉगिन नहीं है तो ठीक है, सेम ही रही टाइम। उसके बाद हम यहाँ से जो है वो नेक्स्ट हम गूगल क्रोम को ओपन करके देख लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर। गूगल क्रोम भी जो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो सेम टाइम रहा दोनों ही फोन्स के अंदर। और बेस्ट जो है वो इस वक्त आप यूं समझ लें कि बस एक दो चीज़ों के अंदर आईफोन 11 प्रो आगे रहा है, बाकी आईफोन 11 जो है वो टक्कर का मुकाबला दे रहा है, क्योंकि इंटरनल वाइज यार दोनों ही फोन जो है वो सेम है। उसके बाद हम रिलोडिंग टाइम देख लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर, यार रिलोडिंग हमें आती है कि नहीं आती। हम सबसे पहले ना ऑनलाइन ऐप्स, सबसे पहले हम यहाँ से कैमरा को देखते हैं, क्योंकि कैमरा हमारा एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि ना थोड़ा सा लोड ले लेता है। तो कैमरा ओपन किया तो कैमरे के अंदर आप देख सकते हैं कि दोनों फोन जो है वो भाई वो बिल्कुल बराबर का मुकाबला रहा। दोनों फोन्स के अंदर किसी किस्म का हमें कोई भी फर्क नजर नहीं आया। उसके बाद हम यहाँ से टिकटॉक को ओपन करके देखते हैं कि टिकटॉक लोड लेती है कि नहीं लेती। तो देख लें आप जी, टिकटॉक ने भी बिल्कुल भी लोड नहीं लिया। उसके बाद हम यहाँ से यूट्यूब को ओपन करके देख लेते हैं अपनी कि यूट्यूब हमारा लोड लेती है कि नहीं लेती। तो यूट्यूब भी आप देख सकते हैं कि यूट्यूब ने भी किसी किस्म का कोई भी लोड नहीं लिया। तो उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ से फेसबुक को ओपन करके देखते हैं कि फेसबुक हमारा जो है वो लोड लेती है कि नहीं लेती। तो फेसबुक भी हमने ओपन करके देखा जी, फेसबुक ने भी किसी किस्म का कोई भी लोड नहीं लिया। उसके बाद आप नेक्स्ट हम आ जाते हैं हम सफारी ब्राउज़र के ऊपर कि सफारी हमारा जो है वो लोड लेती है या नहीं लेती। तो सफारी ब्राउज़र ओपन किया, सफारी ब्राउज़र ने भी बिल्कुल भी लोड नहीं लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने वेदर एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि वेदर भी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, नेट से चलता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये जो है वो लोड लेता है या नहीं लेता। तो ये मैंने ओपन किया वेदर एप्लीकेशन का, तो दोनों फोन्स के अंदर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी लोड नहीं रहा। तो यार विनर की बात करूँ ना यार, तो 11 प्रो दो जगह पे मुझे आगे लगा, लेकिन एक जगह पे हमारा आईफोन 11 जो है वो आगे रहा। तो विनर जो है वो आप 11 प्रो को बोल सकते हैं। कुछ जगह पे हमारा आईफोन 11 प्रो जो है वो थोड़ा सा हमें आगे देखने को मिला, बाकी यार दोनों ही फोन जो है वो एक टक्कर का मुकाबला देते हैं, क्योंकि इंटरनल वाइज दोनों फोन जो है वो सेम ही स्पेक्स के साथ आते हैं। दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर है, सेम जीपीयू लगा हुआ है, सेम ही जो है वो तकरीबन जो है वो तमाम इंटरनल से सिवाय कैमरे को छोड़ के। तो बस उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। पुलिस मान दाहिर, अल्लाह हाफिज़।